डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 से एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.3 के सम करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सम स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, इनमें जो भी आउटकम्स आप देख सकते हो उनकी लिस्ट हमने बनानी है। आउटकम जो होता है परिणाम, इसका ए पार्ट है स्पिनिंग ए व्हील। ये एक व्हील दिया गया है, जब इसको हम घुमाएंगे तो क्या परिणाम आ सकते हैं वो हमने इसमें बताना है। लिस्ट ऑफ आउटकम्स वी कैन सी by spinning a wheel। जो ये व्हील दिया गया है, जब इसको हम घुमाएंगे तो क्या क्या परिणाम हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो एरो है ये या तो ए पे रुकेगा या बी पे रुकेगा या सी पे रुकेगा या डी पे रुकेगा। ये दोनों में ए है, लेकिन परिणाम में दिखाई तो ए ही देगा ना, तो ए दो बार नहीं लिखनी, हमने एक बार ही लिखनी है, ए बी सी डी। ये हमें आउटकम्स इसके दिखाई दे सकते हैं जब हम इसको घुमाएंगे। ये हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, टॉसिंग टू क्वाइंस टुगेदर। दो सिक्के लेने हैं और उनको एक साथ हमने उछालना है, तो उसमें क्या क्या हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। लिस्ट ऑफ आउटकम्स वी कैन सी बाय टॉसिंग टू क्वाइंस टुगेदर। जब हम टू क्वाइंस को एक साथ टॉस करेंगे या उछाड़ेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। दोनों का हेड आ सकता है, यानी कि एच एच, फर्स्ट पे भी एच, सेकंड पे भी एच। दोनों पे टेल आ सकती है, दोनों पे टी आ गया, और फर्स्ट पे आ जाए हेड और सेकंड पे आ जाए टेल, ये भी हो सकता है। और फिर फर्स्ट पे तो आ जाए टेल और सेकंड पर आ जाए हेड, ये भी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे को फोर आउटकम से दिखाई दे सकते हैं जब हम टू क्वाइंस को एक साथ टॉस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने जो नोटबुक में करना है केवल ये करना जरूरी है, ये अब आपके मैथ में दिया गया है। तो अब सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम स्टूडेंट्स, When a die is thrown, list the outcomes of an event of a getting। डाई क्या होता है, जो आप लूडो खेलते हो उसमें जो पासा उछालते हैं उसको डाई बोलते हैं। तो जब एक डाई को हम फेंकते हैं या उछालते हैं तो आउटकम्स की हमने लिस्ट बनानी है। फर्स्ट में ए और बी दो पार्ट पूछे गए हैं। ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं, आउटकम्स कितने परिणाम आ सकते हैं। तो फर्स्ट का ए पार्ट हम करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट का ए पार्ट, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर आने के कितने परिणाम होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो डाई होती है उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये साइन होते हैं। एक तरफ 1 होता है, 2 होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो अबे गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितनी बार आएगी,
टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, फाइव प्राइम नंबर है। तो अब या तो टू आएगा या थ्री आएगा या फाइव आएगा। तो ये हमारे पास आउटकम जा सकते हैं गेटिंग ए प्राइम नंबर। इसी के बी पार्ट में पूछा गया फर्स्ट के में लिस्ट ऑफ ए आउटकम्स ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं हो वो परिणाम कितनी बार आ सकता है? वन आ सकता है, वन को प्राइम नंबर नहीं मानते। फोर आ सकता है, सिक्स आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए नॉट ए प्राइम नंबर। अब इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट का ए, ए नंबर ग्रेटर देन फाइव, इसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? लिस्ट ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स मीन्स परिणाम ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन फाइव। फाइव से ग्रेटर नंबर कितनी बार आ सकती है? फाइव से ग्रेटर ओनली वन नंबर है, सिक्स। तो सिक्स आ सकता है जब हम उसको थ्रो करेंगे। इसी का बी पार्ट है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव, जो फाइव से ग्रेटर नहीं हो वो कितनी बार आ सकता है? लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव इक्वल टू कितनी बार आ सकता है? देखो जो वन से लेकर फाइव तक है वो सारे नॉट ग्रेटर देन फाइव, तो ये सारे परिणाम आ सकते हैं। वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया, थर्ड सम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।